हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने ध्यान को रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक साड़ी रैपिंग की वीडियो। तो बहुत टाइम के बाद मैं एक साड़ी रैपिंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप वीडियो बहुत ज्यादा आपको अच्छी लगेगी। अभी जो है फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गई है, उसके दिमाग में रख के मैंने एक न्यू स्टाइल, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आगे आपकी तीज हो, आपकी पहली तीज हो, या फिर कितने बार आप तीज कर भी चुके हो, तो इस टाइप की अगर साड़ी आप ड्रेप करते हो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगने वाली है। तो बेसिकली अगर कोई भी हेवी सिल्क साड़ी को हो, या फिर किसी भी सिल्क साड़ी को आप अगर ऐसे ड्रेप करते हो ना, बहुत रिच लगने वाला है। तो अगर आपकी पहली दिवाली हो, या फिर पहली करवा चौथ हो, पहली तीज हो, या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, तो आप इस टाइप की साड़ी ट्रिप कर सकते हो एंड सबसे हटके एंड सबसे स्टाइलिश लगने वाले हो। तो मैंने इस साड़ी को कैसे ट्रिप की है अगर देखना है तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक जरूर देख ले। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो चलिए जल्दी से फटाफट से देखते हैं आज की साड़ी ट्रिपिंग, एंड सब्सक्राइब करके जाना अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज गाइस। तो आज की साड़ी ट्रिपिंग के लिए मैंने ये साड़ी को मैंने चूज़ की है, जो कि ये मैंने ऑफलाइन से ली थी भुवनेश्वर से, एंड ये पिंक रानी इस टाइप की ही कलर है। एंड फेस्टिवल के लिए देखा जाए तो ये कलर परफेक्ट है, जैसे तीज हो, दिवाली हो, या फिर आपकी करवा चौथ हो, तो इस टाइप की कलर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने ये कलर को चूज़ किया है जो इस फेस्टिवल के साथ परफेक्टली जाने वाला है। तो साड़ी के जो स्टार्ट वाला पार्ट को राइट साइड में टक करके एक लाइन पीछे की तरफ से लेके आना है, एंड ये वाले पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको जो टक करनी है इक्वली चारों तरफ करनी है। मैंने यहाँ पे कोई हील वेयर नहीं की है, क्योंकि मुझे जनरली घर में ही पूजा करनी है, तो घर में मुझे कैसे साड़ी पहनना है वो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। क्योंकि जब कोई फेस्टिवल होता है, पूजा होता है, तो घर में हम सैंडल हो, चप्पल हो, नहीं पहनते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई हील या फिर कुछ भी वेयर नहीं की है। तो आपको फ्लोर लेंथ को टच करते हुए ही आपको साड़ी को ड्रेप करना है कुछ इस तरह, एंड प्रॉपरली देखना है कि हर तरफ से, चारों तरफ से आपकी साड़ी एक ही अच्छे से जो है अटक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से बहुत ज़्यादा फैब्रिक जो है ऊपर आ गया है, कुछ फैब्रिक नीचे चला गया है, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद हम शोल्डर्स की जो प्लीट्स है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, तो मैंने जनरली 6 प्लीट्स बनाती हूँ साड़ी में, 6, या अगर बहुत ही नैरो प्लीट्स बनाती हूँ तो 7 प्लीट्स बनते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा नैरो प्लीट्स बनाई है, एंड मेरा यहाँ पे 7 प्लीट्स बनाए। पहले मैंने प्लीट्स बनाई थी, ये 6 था, उसके बाद मैंने और एक बार बनाई, वो 7 प्लीट्स बनाई। थोड़ा सा नैरो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 प्लीट्स बनाई हूँ। तो प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करके हम ऐसे ही, जैसे नॉर्मल हम साड़ी को डालते हैं लेफ्ट साइड शोल्डर के ऊपर, वैसे ही डाल देनी है। एंड उसको अच्छे से फिर थोड़ा थोड़ा करके जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नैरो प्लीट्स बनाई हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिल्क साड़ी में थोड़ा सा उसको अच्छे से जो है अब अरेंज करना पड़ता है। उसके बाद मैंने उसको एक सेफ्टी पिन की हेल्प से जो है सिक्योर कर लूँगी। देन मैंने उसको पीछे की तरफ से इसको ऐसे लेके आना है, एंड यहाँ पे जो है आपकी जो राइट हैंड शोल्डर के ऊपर उसको डाल देनी है। तो कुछ ऐसे करना है, आपको देख लेना है कि आपको जो आपका जो पल्ला वाला पार्ट है कितना लॉन्ग रखना है। ये जो साड़ी ट्रिपिंग आज मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, उसमें मैं थोड़ा सा, थोड़ा नहीं मतलब मैं बहुत लॉन्ग रखने वाली हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे सामने वाले प्लीट्स होते हैं वो ही स्टार्ट कर रही हूँ बनानी। तो मैं जनरली ऐसे ही प्लीट्स बनाती हूँ, एंड सिल्क साड़ी है तो सिल्क साड़ी में कभी भी नैरो प्लीट्स मत बनाइए, बेसिकली नीचे वाले पार्ट को। तो ये साड़ी वैसे भी थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी के है, तो ये इतना ज़्यादा फूलता नहीं है, बट कोई भी साड़ी आप यूज़ करें, बहुत नैरो प्लीट्स मत बनाइए। जो आप नीचे की प्लीट्स बनाते हो वो थोड़ा ब्रॉड प्लीट्स बनाइए। एंड प्लीट्स अच्छे से अरेंज हो जाने के बाद आप जो है उसको पेटीकोट के अंदर टक कर सकते हैं, जितना आपको फ्लोर लेंथ को टच करते हुए रख के, बाकी आपको यहाँ पे कर सकते हो टक पेटीकोट के अंदर। एंड यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखनी है कि बॉर्डर जो है बहुत ज़्यादा आपकी गैदर ना हो आपकी कमर के पास, तो वो नीटली करके मैं यहाँ पे एक पिन लगा दूंगी, सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं यहाँ पे विदाउट सेफ्टी पिन मैं नहीं होता है मेरा।
मेरी साड़ी नहीं टिकती है, तो मुझे हमेशा जो है, क्योंकि मुझे कमर में बहुत ज़्यादा पेटीकोट को टाइट नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मुझे एक सेफ्टी पिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मुझे यहाँ पे जो साड़ी में जो सेफ्टी पिन मैंने लगाई थी उसको निकाल के मुझे ब्लाउज़ के साथ मुझे अटैच करनी है, तो मुझे और एक बार जो प्लेट्स को अच्छे से अरेंज कर दूँगी, उसके बाद मैं ब्लाउज़ साड़ी को सेफ्टी पिन की हेल्प से जो है सिक्योर कर लूँगी। उसके बाद साड़ी की जो प्लेट्स को आगे ला के थोड़ा सा मुझे फैला देनी है एंड एक बेल्ट की हेल्प से जो है मैं उसको सिक्योर कर लूँगी। कुछ ऐसे ही साड़ी ड्रेपिंग है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। ऐसे एक आप बोल सकते हैं ये गुजराती स्टाइल ही है, बट लिटिल बिट थोड़ा सा उसमें चेंज करके हमने थोड़ा सा उसको लॉन्ग रखा है हमारे पल्ला वाला पार्ट को, तो लुक वाइज थोड़ा सा डिफरेंट हो ही जाती है। तो मैंने, मेरे पास कोई कमरबंद नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे एक बेल्ट की हेल्प से उसको सिक्योर कर लिया है। अगर आपकी कमरबंद है तो कमरबंद की हेल्प से आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो इस टाइप पे साड़ी आप वेयर करते हो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। तो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कलर भी बहुत ज़्यादा फेस्टिव अप्रोप्रिएट थे। तो यहाँ पे हमारी सारी ड्रेपिंग ख़त्म हो रही है एंड आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से भी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है एंड आगे की तरफ से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाले सारी ड्रेपिंग। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कैसे लग रहा है एंड डेफिनेटली आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। एंड आपको कैसे लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे बन भी बनाई है, कुछ ज्वेलरी में मैंने ओनली मंगलसूत्र पहना है एंड बड़े से ईयरिंग्स पहनी है, क्योंकि बड़ा से ईयरिंग्स मैंने पहनी है इसलिए मैंने नेकलेस को स्किप कर लिया है। बहुत सारे बैंगल्स पहनी है जो कि साड़ी को मैच करते हुए, जो कि पिंक तो नहीं, एक्चुअली ये रानी एंड गोल्डन कलर में मैंने ऐसे ही पहना है एंड ओवरऑल लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरी हैंडल आपको स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय गाइज, बाय।